रेडी हो जाते हैं, हल्का फुल्का टचअप कर लेंगे। आप सब कैसे हो मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो। अचानक आए हैं, सरप्राइज़ वीडियो बनाएंगे हम बोले थे, तो सरप्राइज ही बना रहे हैं। देखो सरप्राइज मतलब सबको सरप्राइज ही हो रहा है। कुछ बताओ तुम भी। हम क्या बताएं, तुम लोग का दीदी डेली डेली लेट यहाँ पे बात सुनना पड़ रहा है हमको, यहाँ पे सब टाइम टू टाइम हो रहा है। 9 बजे मतलब 9 बजे ही बस आ जा रहा है, 1 मिनट भी लेट नहीं हो रहा है। मैं हम लोग से उठ ही नहीं पा रही हूँ। एक ब्रोशर पास किया है, इसका एक फोटो लगाना है और पीछे पास करना है। इस पे लिखा है आज का नॉर्थ गोवा का प्रोग्राम, तो ध्यान में रखो। गाइस Here is my final look. कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फोर्ट अग्वारा। गोवा का फोर्ट अग्वारा आप लोगों को पता ही है, और इसके बारे में फुल डिटेल्स मैं बैकग्राउंड वॉइस में दे दूँगी। तो अभी तक हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। लेकिन ये जो हैट है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ, तो मुझे कैसा लग रहा है लुक ज़रूर बताना। आप लोग देखो फुल फाइनल लुक्स, ये है अग्वारा फोर्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई अगर यहाँ से है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन इसी जगह से है, और मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके चलो मैं फिर बैकग्राउंड वॉइस दे दूँगी, तब तक आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। जो लोग यहाँ से नहीं है उनको भी दिखा देती हूँ। और मैं भी तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, हम तो बोले थे ना सरप्राइज ब्लॉग बनाएंगे। और क्या है ना, टूर के लिए तो हम लोग टाइम जो दिया था ना, अरे पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, लेट ही हो रहा है डेली का डेली। 9 बजे निकलने के लिए बोले तो 9 बजे हम लोग निकले हैं। अब देखते देखो यहाँ पे ना कुछ सीटिंग एरिया भी बनाया गया है, ये देखो थोड़ा सा दिखा दो। कैसे लग रही हूँ बताना गाइस, आप लोगों के लिए तो हमें बना रही हूँ वीडियो। अरे कैसे बताना, ये लाइव तो नहीं हो रहा है कि अभी तुमको रिस्पांस कर देगा। गजब बात बोलते हो, मैं अपने सब्सक्राइबर को कुछ भी बोलूं। हाँ, कुछ भी बोलो ना, बताना। आप लोग देखो कैसे कैसे मेरे टांग खींचाई करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोवा। एक्चुअली ये है डे 2, आप लोगों को तो पता ही है, मैं ब्लॉग आप लोग देखे हैं पहले वाला, तो ये डे 2 है और हम लोग निकल चुके हैं नॉर्थ गोवा का टूर करने। और हम लोग आज अभी आए हैं अग्वारा फोर्ट, जो गोवा में मतलब डिटेल्स तो आप लोगों को पता ही है क्या है, लेकिन मैं ना मुझे ना ये जगह बहुत पसंद आया है, पूरा हेरिटेज लग रहा है, मतलब जैसे पुराना दिन का होता है ना, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह सुबह निकले थे, लेकिन देखो यार गाइस यहाँ पे कितना धूप है, मतलब मार्च के महीने में हम लोग घूमे हैं लास्ट के टाइम, लेकिन फिर भी देखो कितना ज़्यादा धूप है। और यहाँ पे ना मेरा स्किन भी जल रहा था, इतना ज़्यादा धूप है। सुबह 9:30 बजा था तब शायद। तो ये है अग्वारा फोर्ट। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, फुल वीडियो देखिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं प्लीज़ उसे भी थोड़ा सा फॉलो कर देना। और वहाँ पे आप लोग कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज करके बोल सकते हैं, तो हम लोग अगर कुछ हेल्प लगेगा तो भी बोल सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि कैसे कहाँ से टूर किए। हम लोग है ना सफ़र ब्लॉग, मतलब सफ़र जो टूर होता है गोवा का, तो हम लोग वहीं से हम लोग टूर कंप्लीट किए हैं, जो बहुत अच्छा हम लोगों को घुमाया है ये जो हाँ एक प्रॉब्लम है जो सुबह सुबह जाने के लिए बोल रहा था, तो जो मुझे उठने में दिक्कत हो रहा था इतना सुबह, तो ठीक है कोई बात नहीं है, टूर है चलो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, तो हम मैनेज तो किए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इन लोगों का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से घुमाए हैं और सुंदर सुंदर जगह भी घुमाए हैं, और बहुत कम प्राइस में। आप लोगों को अगर कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, हम उसका डिटेल्स आप लोगों को दे देंगे। और ये जगह ये क्या है मुझे ना एकदम भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुरंग टाइप का था,
शायद कुछ सुरंग ही होगा या फिर कुछ कैदी लोगों को, जैसे हम आइडिया लगा रहे थे एक्चुअली कि कैदी लोगों को शायद यहाँ पे रखा गया जाता था, लेकिन ये अगर ऐसा होगा तो कितना तकलीफ सह रहा था यार, मतलब क्या बोलूँ। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ और वीडियो एंजॉय करो। बिना बहुत ज़्यादा हवा है, मेरा तो हैट देखो बार बार खोलते ही जा रहा है। तो आई देखो, मैं ना कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ, मैं जस्ट कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से कुछ शेयर करने के लिए, जो जो मैं जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ यही सब शेयर करने के लिए मैं जस्ट ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे YT फैमिली मेम्बर हो और YT फैमिली मेम्बर से कुछ छुपाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी ब्लॉग बना के डाल रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो या फिर ब्लॉग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं ना स्किप कर दूँगी वॉइस को और बाद में मैं मतलब बैकग्राउंड वॉइस डाल दूँगी, लेकिन अभी तक के लिए मैं यही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जहाँ पर जाएँगे हम ब्लॉग फिर से वीडियो बनाएँगे और दिखाएँगे, तो तब तक गाइस यहाँ पे खाना का प्राइस बहुत ज़्यादा था यार, लेकिन खाने का उस हिसाब से टेस्ट उतना खास नहीं था, मतलब मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मुझे एक्चुअली हम लोग ना बंगाली है और बंगाली लोग ना बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन मुझे ना उतना टेस्ट खास नहीं लगा। और ये रेड वाला क्या है पानी जैसा, मुझे एकदम भी समझ में नहीं आया, पता नहीं, लेकिन चलो क्या करें, दूसरे जगह का अलग अलग डिश होता है। सिर्फ अपने लिए लिया, एक ही थाली लिए। देखो क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। और गाइस फिर हम लोग आ गए हैं लोअर अगवारा फोर्ट बीच पे, तो ये बीच बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पे कुछ रील्स भी बनाई हूँ, आप लोग शायद देखे हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग और जगह ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर नेक्स्ट कई और एक बीच देखने गए थे, ये बीच का नाम हम भूल गए, किसी को अगर पता है कि ये कौन सा बीच है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखो मैं तो चली भी गई, मुझे इतना धूप में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था यार, बहुत ज़्यादा स्किन जल रहा था, टैन पड़ रहा था, मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी मैं कितना जल्दी जल्दी ये टूर ख़त्म हो या मैं रूम पे जाऊँ और AC चला के थोड़ा सा रेस्ट करूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। ये बीच है ना, ये बहुत ज़्यादा लैंडस्केप के वजह से ख़राब हो चुका है, देखो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जगह का नाम हम भूल चुके हैं। आप लोगों को अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, हम लोग जब वहाँ से जा रहे थे, मतलब समंदर से भी जा रहे थे तब भी हम लोग देखे, फिर रात शाम के टाइम हम लोग रूम पर आए, थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह किए नॉर्थ गोवा का। ये है एक मंदिर और जहाँ पे खड़े होके पहले हम प्रणाम कर रहे हैं और फिर जाके थोड़ा सा पैदल ही घूमे हैं। सब बोल रहा था कि चलो स्कूटी ले लेते हैं, फिर सोचे हम लोग तो कालंगुट बीच पे है, यहाँ से बागा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा सा मार्केट वगैरह यही आसपास है तो थोड़ा घूम लेते हैं। हाँ यहाँ पे ड्रेस वगैरह बहुत सस्ता मिलता है, ये हम देखे हैं, थोड़ा मतलब खाना का प्राइस ज़्यादा है, ड्रेस थोड़ा सस्ता है, 100-200 में ये सब मिल जा रहा था, देखो 250 में मिल जा रहा था, 100 में मिल रहा था टी शर्ट वगैरह। मैं तो फैमिली के लिए कुछ मतलब शॉपिंग किए हैं और मैं खुद के लिए भी कुछ शॉपिंग की हूँ, तो मैं फिर वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। और फिर हम लोग खाना खाने गए और मटन लिए थे, मटन कौशा, एंड ये एक बंगाली रेस्टोरेंट था एक्चुअली, मुझे ढूंढ के मिल गया था। तो फिर हम रोटी लिए थे, बटर रोटी, ये मुझे एवरेज लगा, मुझे उतना भी खास नहीं लगा, कोई बात नहीं। एक्चुअली अभी के लिए वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंजॉयमेंट के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, ओके।